चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेसियों को गुरु घंटाल बताया है। कांग्रेस के गुरु पूर्णिमा नहीं मनाने को लेकर बोले हैं विश्वास सारंग, कांग्रेस का काम है परंपरा का विरोध करना, वह लोग क्या जाने गुरु और गुरु परंपरा। कांग्रेस के गुरु नेहरू परिवार के लोग हैं। कांग्रेस नेता यदि जाएंगे तो सोनिया राहुल गांधी के यहाँ जाएंगे। कांग्रेस गुरु घंटाल है, इसलिए उन्होंने गुरुओं का आशीर्वाद लेने में शर्माती है। कांग्रेस ना तो हिंदू संस्कृति को मानते हैं ना ही हिंदू विचार पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ही इटली के विचार पर काम करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसा, कांग्रेसियों को गुरु घंटाल बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस का काम है परंपरा का विरोध करना, कांग्रेस के गुरु पूर्णिमा नहीं मनाने को लेकर बोले हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आप। तो ना हिंदू संस्कृति को मानते हैं ना हिंदू विचार पर विश्वास रखते हैं, उन तो वो तो केवल इटली के विचार पर आगे काम करते हैं। उनको गुरु पूर्णिमा से क्या लेना देना, वो तो केवल नेहरू परिवार को ही अपना गुरु मानते हैं। और आप उठाकर देखिएगा, कांग्रेस के नेता गुरु पूर्णिमा नहीं मनाएंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जन्मदिन मनाएंगे, उन्हें गुरुओं से क्या लेना देना। और जो खुद गुरु घंटाल हैं उनको गुरुओं से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस जब इस तरह की बातें करती है तो उसकी मानसिकता सामने। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से प्रदेश अध्यक्ष विदेश शर्मा ने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष विदेश शर्मा ने आशीर्वाद लिया है उनसे मुलाकात करके। गुरु पूर्णिमा पर सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से आशीर्वाद लिया है विदेश शर्मा ने। वहीं पूर्व सांसद आलोक संजर ने भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से आशीर्वाद लिया उनसे मुलाकात करके। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वीडी शर्मा प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया उनके चरण स्पर्श करके। वहीं गुरु पूर्णिमा पर पूर्व सांसद आलोक संजर भी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी चरण स्पर्श कर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आशीर्वाद लिया। अब आ जाने दो सब कुछ।